भारत माता की जयच्या घोषणा देणारे नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला यांना श्रीनगरमध्ये मोठ्या विरोधाला सामोरं जावं लागलंय. श्रीनगरच्या हजरत बल दर्गामध्ये ईदच्या निमित्तानं फारुख अब्दुल्ला नमाज पढण्यासाठी आले होते. मात्र दर्ग्यातून बाहेर पडताना अब्दुल्ला यांच्या विरोधात जमलेल्या लोकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. लोकांनी हातात बूट आणि चप्पल घेऊन शम करोच्या जोरदार घोषणा दिल्या. माजी पंतप्रधान आणि भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयींना श्रद्धांजली देण्यासाठी आयोजित केलेल्या सभेत अब्दुल्ला यांनी जोरदार भाषण करत भारत माता की जयच्या घोषणा दिल्या होत्या. त्याचे श्रीनगरमध्ये पडसाद उमटले आहेत. ये देश तेरा भी है, मेरा भी है, ये देश हम सबका है. और इस देश को अगर हमने बनाना है तो इकट्ठे खड़े होके बनाना है, दिल से दिल मिला के बनाना है, उसके बगैर नहीं बनेगा. और ये ना समझना कि अटल यहां उसका जिस्म यहां नहीं है, मगर ये याद रखना उसकी आत्मा यहां पे घूम रही है, आपको देख रही है कि क्या आप उस देश को बनाओगे जिसका ख्वाब अटल ने देखा है. भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद. मैं सोचता हूं कि ये कोई नई बात नहीं है हम लोगों के लिए. फारूख के पिताजी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 1946 में यही सिचुएशन देखी थी. लेकिन जो लोग ये ऐसा कर रहे हैं वो भी कोई पॉपुलर कश्मीरी आवाज़ नहीं है, वो भी स्पॉन्सर्ड एलिमेंट्स हैं. ये होता आया है, तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार मजबूत नहीं है.